नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हम रेडी हो चुके हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि हम आज चलने वाले हैं दिल्ली के मेन मार्केट टहलने के लिए, जो कि आप लोगों को आज नया एक्सपीरियंस देने वाले हैं और साथ में हम भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम रेडी हो चुके हैं, खाना पीना हो चुका है और ये पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की लोकेशन है और हवा काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम सीधा निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। गाइस अभी तो हम निकल चुके हैं यहाँ गलियों में, अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, हम टेम्पो पकड़ेंगे। यहाँ से कुछ ही दूर पर है मेट्रो। हाँ, ट्रेवल करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी धूप नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त बादल छाए हुए हैं। हम आ चुके हैं मार्केट में, यहाँ पकड़ते हैं टेम्पो, फिर चलते हैं सीधा मेट्रो के लिए। अभी तो हम टेम्पो पर बैठ चुके हैं, अब इसके बाद सीधा चलते हैं मेट्रो स्टेशन के पास में। अभी तो हम ऑटो से नहीं उतर चुके हैं, उसके बाद यहाँ सेक्टर 59 से हम पकड़ते हैं मेट्रो और अभी चलते हैं दिल्ली। पहुंच चुका हूं चांदनी चौक पर, अब इसके बाद यहां से हम निकलते हैं सीधे मेट्रो स्टेशन से बाहर, फिर आप लोगों को लोकेशन दिखाते हैं यहां का। दिल्ली गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी हम चांदनी चौक के पास में। अभी यहां से हम बाहर निकलते हैं और आप लोगों को यहां मार्केट दिखाते हैं किस तरह से है, और हम भी एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ें देखने को हमको भी मिलेगा। अभी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं हारी बावली की साइड में, यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है। अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, और ड्राई फ्रूट के माने में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप होल सेलर या रिटेलर के रूप में आप ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं। जिस रोड पर चल रहे हैं वो लाल कुआं है, और यहाँ पर आप मार्केट से कुछ भी सामान लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और आगे अभी हमें चलना है कुछ काम करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात करना था किसी से। तो वैसे हमने सोचा कि आप लोगों को बाज़ार भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लगती है और क्या क्या होलसेल में मिलता है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं खारी बावली में, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब यहाँ पर रिटेल से लेकर के होलसेलर सारा काम होता है, ड्राई फ्रूट का और सारी चीज़ों का। तो ये देख रहे हैं पीछे आप हमारे कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी यहाँ पर आए हैं कुछ नई चीज़ें देखने के लिए, तो आप लोगों को ऐसे दिखाते हैं खारी बावली का लोकेशन किस तरह से है। इधर साइड में जब वहाँ जहाँ पर आए हुए हैं खारी बावली में, आप लोग ड्राई फ्रूट से लेकर के काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो भी रिटेल में और होलसेलर दोनों काम होता है। और दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एरिया है ये आप ड्राई फ्रूट के लिए। अभी ऐसे आप लोग देखते रहें और सारी चीज़ें आप लोगों को, जो भी नई नई चीज़ें हम देखेंगे आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएँगे। Yeah.
भाई आज तो हम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टहल रहे हैं और इधर कुछ ही दूर पर लाल किला पड़ता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। और अभी तो हम हैं खारी बावली में, अब इसके बाद थोड़ा सा काम है आगे चल के। आज हम मार्केट में कुछ नई चीज़ें देखने का मन किया और सोचा कि आप लोगों को दिखाएं। वैसे तो ज़्यादातर दिखा नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरह के यहाँ का लोकेशन भी है, अभी देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और आप लोगों की एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। अब तो यहाँ से हम चलने वाले हैं, काफ़ी देर यहाँ पर मार्केट में काम करना था मुझे जो किया, और इधर की भीड़ देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। ये बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अभी हम इसके बाद चलते हैं सीधा चांदनी चौक लाल किले के पास में, वहीं से हमें मेट्रो भी पकड़ना है, अभी वहाँ थोड़ा टहलते घूमते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस अभी टहलते टहलते हम लाल किले के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी था, और पैदल आराम आराम से ऐसे टहलते घूमते आ रहे हैं। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मस्त है यहाँ का, और शाम भी होने वाला है। तो गाइस अभी तो हम आ चुके हैं मार्केट में, और यहाँ पर देख रहे हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये पूरा पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे। नहीं दिलाई कि कब ट्रैफिक ख़त्म होगी भाई, समझ नहीं आता है, जहाँ देखो वहीं पर ट्रैफिक लगना शुरू हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता। ये आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे लाल किला, तो आप लोग कई बार दिखाया होगा विजिट करके यहाँ लाल किला के पास में, जो कि हम 14 अगस्त के एक बार आए थे, आप लोग देखा होगा अभी जल्द में, तो वहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं था, उस टाइम पास की ज़रूरत थी। तो आज तो हम थोड़ा जल्दी में फिर से कभी विजिट करेंगे तो आप लोगों को लाल किला पूरा दिखाएँगे। अभी तो हमारा काम था सीधा मार्केट में, मार्केट से सीधा अभी चलना होगा हमें रूम के साइड में, और ये कुछ इधर का नज़ारा है अभी। लाल किला से सीधा हम आ चुके हैं अभी अपने स्थान पर, वहाँ से ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, और इधर आप देख पा रहे हैं अभी लिफ्ट से नीचे आए हुए हैं, और इधर बाज़ार में अभी पहुँच चुके हैं, हो सकता है आवाज़ सही से ना सुनाई दे रहा हो आपको। अभी यहाँ से चलते हैं सीधा रूम के साइड में।